बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेट मंच की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है एवरीडे साइंस एमसीक्यूज का। आज उस सिलसिले में पार्ट 45 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 921 से। क्वेश्चन नंबर 921 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 921 एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मानी खलाबाज। Inside a space craft is in a state of weightlessness. This implies that weightlessness, उसकी वजन जो है बिल्कुल जीरो तक आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कहते हैं। तो ऑप्शन डी को जरा देखें, इसका मतलब है कि द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेस क्रेफ्ट आर बोथ इन अ फ्री फेलिंग, ये फेलिंग नहीं है, फॉलिंग स्टेट, नीचे गिरने के, वो बिल्कुल फ्री आजादाना नीचे आ रहे हैं। क्योंकि फॉलिंग स्टेट में, फ्री फॉलिंग स्टेट में ये होता है कि वजन घटता जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 922 को देखे, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी। आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा, और वो क्या करता है, फ्लोटिंग इन सी समंदर में। हाउ मच ऑफ इट्स मास विल रिमेन अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसका मास कितना सरफेस के ऊपर होगा, ये क्वेश्चन इंतजी अहम है। 1/10 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 923 देखे, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफियर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 924 देखिए दोस्तों, द काउज मिल्क कॉन्टेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 80 आर अबाव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 925 देखिए, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लॉन्ग अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 926 देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ट बाय एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 927 देखे, बैट्स चमगादड़ को कहते हैं कि आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन डी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 928 देखे, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द फीडर्स इन द बर्ड इज टू, परिंदों के जो पर होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इज टू प्रोवाइड स्ट्राइकिंग सरफेस टू द विंग्स फॉर फ्लाइंग, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 929 देखे, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 930 देखे, ईसीजी किस लिए कराते हैं, इससे कौन सी डायग्नोज होती है, हार्ट प्रॉब्लम, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली डायलिसिस रिलेटेड है किस चीज से, किडनी से, गुर्दे वाले मरीज जो होते हैं किडनी डायलिसिस करते हैं,
और 932 नंबर क्वेश्चन देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट एंटी लीव इज कैपीन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 933 नंबर क्वेश्चन देखें, अडोली इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 934 देखें, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉगो टू द रेटिना इन द कैमरा इन द ह्यूमन आई, फिल्म, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 935 देखें, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम ब्राइट लाइट ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल व्हाइल बिकॉज द आयरिस इज अनएबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। और 936 नंबर क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द एवरेज एडल्ट पल्स रेट, 70 to 80, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 937 देखें, द ब्यूटिफुल कलर पैटर्न एग्जिबिटेड बाय अ पीकॉक इन इट्स टेल फीदर्स आर ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 938, अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमॉस्फेयर, इट विल फर्स्ट फ्रीज एट द टॉप सरफेस, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 939 देखिए, द सन अपियर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट व्हाइल इट अपियर्स व्हाइट एट नून बिकॉज, ऑप्शन ए को देखिए, बिकॉज ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए 940, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोमोट हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आईज इन ह्यूमन बीइंग, विटामिन ए, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। और विटामिन ए का बड़ा जरिया जो है गाजर, कैरेट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।